हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्मॉल डिस्टेंस के बारे में बात करी थी कि स्मॉल डिस्टेंसेस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं और उनकी क्या यूनिट्स होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स। आज हम लोग देखेंगे कि अगर लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना हुआ, मतलब बड़ी डिस्टेंसेस को अगर अपने को मेजर करना हुआ, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली होती है अपने पास में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। ये क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से पृथ्वी का जो डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस, उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सूर्य से पृथ्वी का जो डिस्टेंस होता है, वो अगर अपन एक राउंड फिगर में देखें तो वो होता है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर अगर आप किलोमीटर के फॉर्म में देखना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर अपने को समझ में आ जाता है कि कितना होता है। तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस होता है, करेक्ट। तो उसी को बोलते हैं अपन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये मैं आपको अबाउट बता रहा हूं। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए कि पृथ्वी और सन, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो आपका एग्जैक्ट डिस्टेंस है, वो कितना है, तो वो होता है आपका 1.496 × 10^11 मीटर, जिसको आप ये भी लिख सकते हो कि 1496 करोड़ किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ से थोड़ा सा कम होता है, बहुत माइनर सा कम होता है। ये डेटा आता है जिसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 1.496 × 10^11 मीटर के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी प्लेनेट की डिस्टेंस बतानी है, मान के चलिए कि कोई एक प्लेनेट है जो कि 30 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है या किसी भी दूसरे प्लेनेट से दूर है, तो वहाँ पे अपन उसको 30 करोड़ या 30 करोड़ ना बोलते हुए अपन क्या बोलेंगे उसको, 2 AU का अपन यूज़ करेंगे। क्योंकि 1 AU में कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ होता है। मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, करेक्ट। तो 1 AU में कितना होता है, 1 AU में वो होता है 15 करोड़, और अगर अपन 2 AU की बात करें तो कितना हो जाएगा, 30 करोड़। तो वहाँ पे 30 करोड़ बोलने की बजाय जनरली क्या बोला जाता है, 2 AU उनके बीच का डिस्टेंस है। ऑलराइट, अगली यूनिट आती है अपने पास में लाइट ईयर, विच इज़ मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखिए, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड 1 सेकेंड के अंदर 300,000 किलोमीटर होती है। 1 सेकेंड के अंदर 300,000, यानी कि आपकी पलक झपकते से ही लाइट जो होती है 300,000 किलोमीटर चल जाती है। तो लाइट अगर 1 सेकेंड में 300,000 किलोमीटर चल सकती है, तो ये सोचिए कि 1 साल में कितना चलेगी। तो लाइट अगर 1 साल तक कंटिन्यूसली चलती रहे, वो भी वैक्यूम में बात कर रहा हूँ, है ना, वैक्यूम में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते। तो अगर लाइट वैक्यूम में 1 साल तक कंटिन्यूसली चलते रहे, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी उसी को बोला जाता है लाइट ईयर। और विच इज़ 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.467 × 10^-15 मीटर, इतना वो डिस्टेंस कवर करेगी और इसी को बोला जाता है लाइट ईयर। यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने की ये आपके पास में एक यूनिट बन गई, विच इज़ फिक्स्ड, ये आपकी कभी चेंज नहीं होती, राइट। वैक्यूम में अगर लाइट की रे को अगर आप आज चलाओगे या आज 10 साल बाद चलाओगे, तब भी जो वो डिस्टेंस कवर करेगी वो इतनी ही करेगी। इसीलिए क्या हो गया आपके पास में, ये यूनिट बन गई, यानी कि 1 लाइट ईयर। जो बहुत दूर गैलेक्सीज होती है या कि कोई बहुत ज़्यादा दूर प्लैनेट्स होते हैं, तो उनको जनरली हम लोग क्या करते हैं, लाइट ईयर के अंदर मेजर करते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद में अगर अपन सेकेंड मतलब अगली यूनिट की बात करें, तो अगली यूनिट होती है आपके पास में पारसेक, जिसको अपन पैरेलेक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं, पारसेक या फिर पैरेलेक्टिक सेकेंड। देखिए, ये भी काफ़ी सिंपल है, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो 1 पारसेक के अंदर 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं, यानी कि लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है पारसेक, सिंपल फॉर्म में अगर अपन समझे तो ये। बाकी अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, मतलब स्पेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ी यूनिट है यूज़ करने के लिए। इट इज़ डिफाइंड इज द डिस्टेंस ऑफ एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड आर्क, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ में 1 सेकेंड का जब एंगल बनता है, तो उस रेशियो को बोला जाता है पारसेक। यहाँ पे अगर आप इसको बाय द फॉर्मूला निकालो तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर करके आप निकाल सकते हो। एल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप आर को इधर ले लो तो एल बाय थीटा हो जाएगा। एल की जगह कितना लिखना है अपने को, 1 AU, और थीटा की जगह कितना निकला है, 1 सेकेंड, 1 के ऊपर डबल डैश मतलब कि सेकेंड। अब जब आप वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे तो इसका 1 पारसेक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10^16 मीटर। ये 1 पारसेक की वैल्यू आ गई जो आपकी जो आपको याद रखना है। और अगर अपन इसको
लाइट ईयर में कन्वर्ट करें तो 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर्स। ये आपको डेटा याद करना है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।